आपको बता दें, इस वक्त केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट पर घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें शराब घोटाला मामले में अरेस्ट किया गया है और न्यायिक हिरासत में है फिलहाल, और अभी उनके हेल्थ को लेकर के बड़ा घमासान चल रहा है। ईडी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसा भोजन कर रहे हैं जिससे उनका शुगर बढ़े, और उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, तो भारी संख्या में आपके कार्यकर्ता जुटे हैं और केजरीवाल के खिलाफ साजिश का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद ने ये बड़ा आरोप लगाया कि केजरीवाल की हत्या की साजिश की जा रही है और धीरे धीरे उनको जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार तिहाड़ की ओर से आधिकारिक बयान आते रहे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है, ये कह रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। जेल प्रशासन और एलजी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इंसुलिन की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर देख के ही बताएगा ना। तो हमारी डिमांड कितनी है कि हमें एक डायबिटोलॉजिस्ट से, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ की। Z News।